डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान के अध्याय 10वें केंचुए की संरचना और कृषि में महत्व के डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। केंचुए का डाइजेस्टिव सिस्टम मुख से प्रारंभ होकर अंतिम खंड पर गुदा छिद्र में समाप्त होता है। ऐसा पाचन तंत्र, ऐसी आहार नाल जो माउथ टू एनस मुख से गुदा छिद्र तक विस्तृत होती है, पूर्ण आहार नाल कहलाती है। तो केंचुए की आहार नाल को, पाचन तंत्र को हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम खंड पर स्थित मुख माउथ फर्स्ट सेगमेंट पे स्थित होगी। मुख गुहा बक्कल कैविटी, फेरिंक्स ग्रसनी, इसोफेगस ग्रसिका, पेशनी गिजर्ड, आमाशय स्टोमक और आंत्र, जिसे तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर क्षेत्र, टिफ्लोसोलर रीजन और पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र, पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। आंत्र का तीसरा और अंतिम खंड पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र, पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन ही गुदा छिद्र से शरीर से बाहर खुलता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। मुख प्रथम खंड पेरिस्टोमियम पर स्थित है। एक अर्धचंद्राकार कपाट है जिसके ऊपर एक मांसल प्रवृद्ध प्रोस्टोमियम उपस्थित होता है। मुख खुलेगा मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में, जो पहले से लेकर और तीसरे खंड तक, थर्ड सेगमेंट तक एक्सटेंड है, जिसमें अनुदैर्ध्य वलन फोल्डिंग्स उपस्थित है। आहार नाल का तृतीय भाग ग्रसनी फेरिंक्स, जो चौथे सेगमेंट में उपस्थित है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक और पेशी तंतुओं का जाल है, जिसमें उपस्थित लार ग्रंथियां लार को स्रावित करती है, जिसमें म्यूकस लेस्मा और प्रोटीएज जैसे प्रोटीन प्राचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ग्रसनी खुलेगी ग्रसिका में, जो फिफ्थ टू एट्थ सेगमेंट तक एक्सटेंड होती है, पांचवें से आठवें खंड तक विस्तृत है। पांचवें से लेकर ग्रसनी खुलेगी ग्रसिका में किसी तरीके का कोई डाइजेशन, कोई भोजन का पाचन यहाँ पे नहीं होता। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ग्रसिका ग्रसनी और पेशनी को जोड़ने वाली एक ट्यूब्यूलर नाल जैसी संरचना है। पेशनी गिजर्ड, जो आठवें और नौवें खंड में उपस्थित एक गोलाकार संरचना है, पेशनी गिजर्ड फूड की ग्राइंडिंग, भोजन को पीसने का काम करती है। पेशनी ओपन होगी स्टोमक आमाशय, जो नौवें से लेकर चौदहवें खंड तक फैली है, एक्सटेंड स्टोमक यानी आमाशय। इस स्टोमक या आमाशय के भीतरी सतह पर फोल्डिंग्स वलन उपस्थित होते हैं। आमाशय की भित्ति में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, कैल्सीफेरस ग्रंथियां उपस्थित है, जो केंचुए के द्वारा भोजन के साथ ली गई मिट्टी में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उदासीन करता है। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स सोइल में उपस्थित, जिसे केंचुआ भोजन के साथ में लेता है, ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करता है। आमाशय ओपन होगा 15वें खंड के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, आंत्र के अंदर, जो 15वें खंड से लेकर लास्ट सेगमेंट, एनल सेगमेंट तक एक्सटेंड विस्तृत है, जिसे हम तीन भागों में विभक्त करेंगे। पहला पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, प्री टिफ्लोसोलर रीजन, जो 15वें खंड से लेकर और 26वें खंड तक फैला है। 15वें खंड से लेकर और 26वें खंड तक एक्सटेंड आहार नाल के अंतर का पहला भाग प्री टिफ्लोसोलर रीजन। इस प्री टिफ्लोसोलर रीजन के 26वें खंड में दोनों पार्श्वों पे एक एक पार्श्वीय उभार निकलते हैं। इन पार्श्वीय उभारों को इंटेस्टाइनल सीका, आंत्रीय सीका कहा जाता है। 15वें से लेकर 26वें खंड तक, 26वें खंड में निकले हुए पार्श्वीय उभार आंत्रीय सीका, जिनका अंतिम सिरा बंद होता है। टिफ्लोसोलर
पूर्व टिफ्लो सोलर रीजन के पश्चात टिफ्लो सोलर रीजन, जो 27वें खंड 26वें खंड तक आहारनाल के अंतर का पहला भाग पूर्व टिफ्लो सोलर रीजन है। 27वें खंड से लेकर अंतिम 23 से 25 खंड पूर्व तक, 27वें खंड से लेकर अंतिम 23 से 25 खंड पहले बीच का भाग अंतर का टिफ्लो सोलर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आंतरिक भित्ति पे उपस्थित रसांकुर काफ़ी बड़े होते हैं, जो भोजन के अवशोषण के क्षेत्रफल को काफ़ी बढ़ा देते हैं। अंतर का अंतिम भाग पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र, टिफ्लोसोल के पश्च का भाग, इसे हम रेक्टम मलाशय भी कहते हैं। और यही पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र, रेक्टम मीन्स मलाशय, गुदा छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। और आहार नाल का अंतिम भाग कह सकते हैं छिद्र, गुदा, एनस, मलद्वार, इसी मलद्वार से मलाशय शरीर से बाहर खुलता है। और केंचुआ अपने अपचित भोजन को, मल को, छोटी छोटी गोलियों के रूप में इसी मलद्वार या एनस, गुदा छिद्र से शरीर से बाहर निकालता है, जिसे वर्म कास्टिंग्स, कृमि कास्टिंग्स कहते हैं। तो ये आहार नाल मुख से लेकर गुदा एनस अपर्चर तक एक पूर्ण आहार नाल। अभी हम इस पाचन तंत्र में होने वाली पाचन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भोजन जो है मुख के द्वारा लिया जाएगा, यानी अंतर्ग्रहण की क्रिया जो है वो मुख के द्वारा होगी। मुख खुलेगा मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी मुख गुहा से बाहर जाकर भोजन को अंतर्ग्रहित करने में मदद करती है। मुख गुहा खुलेगी ग्रसनी, मुख, मुख गुहा, मुख गुहा भोजन के अंतर्ग्रहण में मदद करेगी और मुख गुहा का भोजन आएगा ग्रसनी में। ग्रसनी जो है इसमें उपस्थित लार ग्रंथियां जो है वो लार को स्रवित करेगी। इस लार में म्यूसिन उपस्थित है, जो भोजन को नम बनाता है, गीला बनाता है। और इसमें प्रोटीएज एंजाइम उपस्थित है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। ग्रसनी के पश्चात भोजन आएगा ग्रसिका में। किसी तरीके का कोई भोजन का पाचन ग्रसिका में नहीं होगा। ग्रसनी से भोजन को ग्रसिका, पेशनी, गीजर्स में पहुंचाती है, जहां फूड की, जहां भोजन की ग्राइंडिंग होती है। तो ग्रसिका से भोजन पेशनी में, गीजर्ड में, जहां फूड की ग्राइंडिंग होती है, भोजन को पीसा जाता है। पेशनी से भोजन आएगा स्टोमक अमाशय में। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, अमाशय की भित्ति में कैल्सी फेरस ग्रंथियाँ उपस्थित होए, जो भोजन के साथ उपस्थित मिट्टी के ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, उदासीन करती है। अमाशय से भोजन आएगा अंत्र के अंदर, अंत्र की भित्ति अंत्रीय रस, डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस निकालती है, जिसमें ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम है, जो भोजन के अलग अलग घटकों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का पाचन पूर्ण करते हैं। अपचित भोजन जो है वो आहार नाल के अंतिम भाग पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र मीन्स मलाशय के द्वारा गुदा छिद्र से शरीर से बाहर वर्मिंग क्रीमी कास्टिंग्स, वर्म कास्टिंग्स के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी छोटी गोलियों का एक ढेर वर्मी कास्टिंग्स का दिखाई देता है।